हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है डे थ्री है एट वेलोर, एंड आज जो है मेरा पिताजी एंड दीदी को दिखाने मेनली ले जाना है। सो मेरा फादर को जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना है रिगार्डिंग हार्ट, एंड मेरा दीदी को जो है उसको दिखाना है ऑर्थोपेडिक्स रिगार्डिंग बोन। तो ये दो डिपार्टमेंट में मेनली आज जो है जाना है एंड वहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है। एंड इसका रिलेटेड जितना भी मतलब वीडियो मैं शूट कर पाऊँगा और जितना भी इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट्स मुझे दिखाई देगा सीएमसी मतलब वेलोर जो हॉस्पिटल उसका अंदर एंड बिल्डिंग के अंदर, मैं सब प्रोवाइड करूँगा कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ पे कैश डिपॉजिट करना है, कहाँ से मेडिसिन लेना है, कहाँ पे टेस्ट कराना है, जितना भी डिटेल्स मतलब अवेलेबल मैं करा सकूँगा मैं सब वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो पर जो है आप लोग बने रहिए, एंड मैं जो है अभी निकलता हूँ टूवर्ड्स सीएमसी वेलोर, एंड वहाँ पे जाके मैं बाकी जो है सब चीज़ मैं आप लोग से मैं शेयर करता हूँ। फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो है मैं गया था सीएमसी वेलोर हॉस्पिटल में स्पेशली फॉर माय फादर, पिताजी को जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना था तो वहाँ पे गया। तो आज बाकी इससे पहले जितना भी मेरा सिस्टर का मतलब हम मैंने दिखाया मेनली, तो उस पर उतना टाइम नहीं लगा। आज भी दीदी का मेरा था ऑर्थोपेडिक्स में। तो ऑर्थोपेडिक्स जो होता है वो ओपीडी में आपका मतलब 30B जो गेट है उसे बेसमेंट जाना पड़ता है। बेसमेंट फ्लोर में ऑर्थोपेडिक्स का सेक्शन है, वो भी जो है थोड़ा सा मैं वीडियो क्लिप में आज दिखाया हूँ। तो मैं अंदर नहीं गया था इसलिए अंदर का मैंने दिखा नहीं पाया, तो बाहर का ही मैं थोड़ा बहुत दिखाया। तो ऑर्थोपेडिक्स का बेसमेंट में रहता है, एंड उसी बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर कार्डियो का सेक्शन है, उसको भी जो है मैंने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिपिंग्स में दिखाया। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि अंदर में जो है मुझे शूट करने नहीं दिया जा रहा था, तो
तो इसीलिए मैं जो है ज़्यादा मतलब कल का ब्लॉग जैसा मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था। तो जितना थोड़ा बहुत हो पाया मैंने शूट किया, जस्ट आप लोग को एक आइडिया देने के लिए कि कौन सा काउंटर किधर पे, कहाँ पे क्या सेक्शन है। तो कार्डियोलॉजी का जो सेक्शन है उसी फ्लोर में आपका जो है उसका कैश पेमेंट और अपॉइंटमेंट जो भी है वहाँ पे हो जाता है अगर कोई रेफरेंस आपको देता है। एंड उसके बाद जो है आपका ग्राउंड फ्लोर में अलग अलग टेस्टिंग हो जाता है, जैसे कि मेरा पिताजी का जैसे कि था अपॉइंटमेंट, तो मेन जो डॉक्टर, अब ये एक चीज़ वहाँ पे जानने को मिला, जैसे कि मेरा जो मेन डॉक्टर जिसके साथ मेरा प्राइवेट अपॉइंटमेंट था तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाके वो MRO काउंटर में मैंने स्लिप दिखाया अपॉइंटमेंट लेटर, तो वहाँ पे टोकन नंबर और रूम नंबर दिया, तो ऐसा 5 दिया रूम नंबर, तो वहाँ पे टोटल जो है आपका 1, 2, 3, 4 करके जो है लगभग 10 रूम्स है। तो 5 से लेकर 10 तक जो रूम है उसमें जो है आपका जूनियर डॉक्टर्स बैठता है, मेन डॉक्टर नहीं, एक रूम में 3 डॉक्टर बैठता है। तो आपको वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं तो आपका जो है वो अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर टोकन नंबर आपको दे रहा है कि इस रूम में, जैसे रूम नंबर 5 में आपका 11 नंबर है, तो एक मेरा जैसे 14 नंबर था, तो 14 नंबर जब मेरा टर्न आएगा तब हमको बुलाया जाएगा। तो वेट यार काफ़ी लंबा समय तक करना पड़ा जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग था, बट क्या करें भाई, सब अपना वैसे प्रॉब्लम लेके आए तो किसी को मैं ऐसे जाम करके नहीं जा सकता, सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा। तो सुबह जाकर नंबर लिया था तो वैसे मिला, तो फिर काफ़ी टाइम लगा, मतलब 2-3 घंटा लग गया मेरा 14 नंबर आते आते, और 10 बजे से नंबर लेना पड़ा हमको मतलब 8:30 बजे, और देखना शुरू किया 10 बजे, तो 2 घंटा आपको ऐसे ही बैठना है, लेकिन फिर भी मैं सुबह जाकर नंबर ले लिया था इसलिए उतना तो देरी नहीं हुआ। तो मेरा फिर नंबर आया लगभग 8:30 में नंबर लिया, फिर वेट करते करते लगभग आपका मतलब 12 बज चुका था दोपहर का, उस टाइम नंबर आया तो पिताजी को लेकर गया, तो जो जूनियर डॉक्टर था उसने देखा, तो उसने पूछा मतलब इससे पहले क्या क्या मेडिकेशन चलता था, नहीं था, तो मेरे पिताजी का हार्ट का जो प्रॉब्लम है 2020 से ही शुरू हुआ, तो 20 में मैंने बोला कि उस टाइम लॉकडाउन पैंडेमिक सिचुएशन था इसलिए आ नहीं पाया, तो वहाँ पे जो लोकल हम लोग का डॉक्टर है उसी का मेडिकेशन चल रहा है, तो वो भी कागज़ वगैरह सब दिखाया, तो वो तो सीधा बोलने लगा कि आपको जो है एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। तो एंडोस्कोपी क्या होता है जो लोग नहीं जानते, कि एक छोटा सा कैमरा जो है पाइप के थ्रू अंदर घुसा के देखता है कि अंदर में हार्ट का मतलब कौन सा चैम्बर कौन सा वाल्व में क्या प्रॉब्लम है, और एंजियोप्लास्टी मतलब वो एक सर्जरी होता है छोटा सा जिसमें जो है आपका जो ब्लॉक्ड आर्टरी है या कोरोनरी आर्टरी है जो भी है जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमने से जो आपका मतलब ब्लड फ्लो बंद हो गया, तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्जरी करके वो पाइप को फिर से मतलब ऐसे चौड़ा कर देता है, तो वो है। तो बोला कि वो करना पड़ेगा, एंड उसका जो है कॉस्ट भी लगभग बोला कि मुझे 1.5 लाख से 2 लाख तक है, मैं डिपेंड करता है कि आपका कितना आर्टरीज ब्लॉक है, तो वैसे बोल दिया। तो हम लोग तो फिनेंशियली अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, सोचा था कैसे चेकअप ही करेगा, मतलब पहली बार दिखाने से ऐसा सर्जरी बोल देगा वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर बहुत सारा टेस्ट भी लिख के दिया, मैंने पूरा टेस्ट लिख के दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो दिखाया। उसके बाद मैं गया अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके, जैसे कि G51, G11, G20 ब्लड सैंपल के लिए सब जगह जाके पिताजी का सब कराया। तो मैक्सिमम टेस्ट आज ही का दिन हो गया, कुछ जो है फिर से मुझे एक दिन छोड़ के जाके करना पड़ेगा, तो वो टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कराने के बाद फिर एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया है हमको 2-3 दिन बाद, तो वो आई गेस सेकेंड टाइम जो अपॉइंटमेंट दिया है उस टाइम जो है विथ द टेस्ट रिजल्ट मुझे मेन डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर ओमेन जॉर्ज करके है मेरा जो पिताजी का अपॉइंटेड डॉक्टर है, मेन डॉक्टर जो है सीनियर, उनको दिखाना है। तो वो टेस्ट किया, फिर टेस्ट करने के बाद घर आया, तो घर आने के बाद जो है मेरा मम्मी और दीदी बहुत परेशान हो गए, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे भी अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, अभी जो है मैं किसी भी हालत में पैसा का अरेंज हो भी जाता है, फ़ोन पैसा तो अरेंज हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, इधर उधर फ़ोन करके वो कर लेंगे दोस्त लोग या किसी से भी हो, लेकिन बात यह है कि रिस्क अभी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मेरा पिताजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्ट का पहले जो पिताजी का इशू था कि जब कोई भारी सामान सब्जी का थैला लेके चलता था तो चेस्ट पेन होता था, कोई बाल्टी उठा के लेके जा रहा है पानी का बाल्टी तो चेस्ट पेन होता था, मतलब कुछ थोड़ा सा लेबोरियस हैवी कुछ काम करने से चेस्ट पेन होता था। तो अभी जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे वो तो बोला था कि कोलेस्ट्रॉल अभी जस्ट बैठना शुरू किया तो इनिशियल स्टेज है, दवाई से चलेगा, अभी कुछ ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे तो सीधा सर्जरी बोल रहा है, तो वो चीज़ से थोड़ा सा परेशान तो जेन्युइनली हो गए ऑनेस्टली। एंड मेरे पिताजी मतलब पापा इस बारे में एकदम साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहे, जस्ट सुन रहे। तो मैं मेरे दीदी और मम्मी आपस में डिस्कशन कर रहे थे यूट्यूब में और गूगल में भी थोड़ा बहुत सर्च किया था, समझा क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। तो फिर लास्टली यही डिसीजन लिया कि अनलेस एंड अनटिल अब टेस्ट रिजल्ट अभी मिलेगा नहीं, टेस्ट रिजल्ट मुझे परसों मिलेगा सब, परसों तरसों। तो टेस्ट रिजल्ट मिलने के बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे, अभी तो पिताजी नॉर्मल स्थिति में ही है, मतलब पिताजी का अभी तक हार्ट अटैक भी नहीं हुआ है, स्ट्रोक भी नहीं हुआ है, फेंट भी नहीं हुआ है, पाल्पिटेशन भी नहीं होता, ये सब पूछ रहा था वहाँ पे कि ये सब हुआ है कि नहीं, हम बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि सर्जरी वो करने से ठीक होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ में कन्फ्यूज है एंड नहीं चाहते। तो दीदी भी बोली कि अभी कोविड देखो आज नहीं तो कल करना ही है, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलमोस्ट 70 अभी एट प्रेजेंट 69 ईयर्स ओल्ड है,
मैंने 2021 में 2022 नेक्स्ट साल जो है 70 ईयर्स हो जाएंगे। तो दीदी बोली कि आज नहीं तो कल, तो वो तो कराना ही है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन है अभी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन कराने के बाद आपको फॉलोअप चेकअप के लिए भी आना पड़ता है कि अचानक अगर ऑपरेशन के एक सप्ताह बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर से मैं कोलकाता से इधर आ नहीं सकता वेलोर, और कोलकाता में दिखाना जाऊँगा तो वहाँ का डॉक्टर बोलेगा तुम भाई जहाँ पर ऑपरेशन किया हो वहीं पर जाओ। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है, तो सब डिसाइड करने के बाद ये सोचा कि अभी जो इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन टेस्ट सब करा ले रहे कि प्रेजेंट स्टेटस एक्चुअली क्या है वो पता चल जाए कि किस जगह पे अभी खड़े हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले मतलब नेक्स्ट ईयर या उससे बाद जैसा स्थिति रहेगा उस हिसाब से सर्जरी अगर ज़रूरत पड़ा तो कराएंगे, जो एंजियोप्लास्टी बोला जा रहा है। तो ये है, तो आज जो है ये सब चीज़ को लेकर बहुत बिजी था, एंड वहाँ से आने के बाद घर में बहुत डिस्कशन हुआ कि जो ये एंजियोप्लास्टी आपका बोल रहा था कराना पड़ेगा सर्जरी, उससे पहले जो अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम है तो किडनी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, वो बोल दे कि किडनी का डॉक्टर जब तक क्लियरेंस नहीं देगा तब तक एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, मतलब चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंजियोप्लास्टी करने से किडनी भी इफेक्टेड होता है बोल रहा है। तो एक मतलब वो एक बार अगर आप कर दिए तो उसका साइड इफेक्ट है कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हद तक हो सके मतलब सर्जरी तुरंत अभी ना कराएं, क्योंकि एज भी ज़्यादा है, रिकवरी में टाइम लगेगा, एंड कुछ हो गया तो वो चलते रहेगा वो चीज़, तो जब तक शरीर में अभी तक कोई सर्जरी पिताजी का हुआ नहीं है, मतलब आँख में हुआ एक थोड़ा सा, बट उसके अलावा मेजर कुछ हार्ट किडनी लंग्स में कुछ नहीं हुआ है। तो वही चाह रहे कि अभी ना कराएं, अगर मतलब जब तक मेडिसिन से चल रहा है सही से चले, क्योंकि एक बार सर्जरी कराने के बाद शरीर तो डेलिकेट हो ही जाता है, तो जब कराना पड़ेगा ऑब्वियसली कराएंगे, बट अभी तो पिताजी का एट प्रेजेंट कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी नहीं कराने का ही सोच रहे हैं, एक दो साल वेट करके फिर ये करेंगे। एंड दूसरा एक चीज़ मैं बस बता दूं कि मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहले भी बताऊँ, ये बनाने का मेरा मेन एक ही मकसद है कि CMC वेलोर को लेकर उतना ज़्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, मैंने खुद सर्च किया था आने से पहले लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिला, एंड जो भी थोड़ा बहुत है मैक्सिमम तमिल लैंग्वेज में या ऐसा लैंग्वेज में जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैक्सिमम जो मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग हम लोग का पॉपुलेशन है या फिर जो बांग्ला बोलते हैं जरा बांग्ला भाषा कथा बोलें उधर पक्ष सम्पर्क मैंने एटा एक असुविधार विषय एवं हमारे यो भी ढेर जना जो अब नेपाली पनी भन्छ अब नेपाली मान्छेलाई पनि बुझ्नु साह्रो पर्छ साउथ इंडियन भाषा है ना, तो हमको तो तीन चार लैंग्वेज आता है, तो लेकिन हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो मैक्सिमम लोग को सबको समझ में आता है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग्स हिंदी में बना रहा हूँ। एंड एटलीस्ट मुझे जो अभी स्ट्रगल फेस करने अभी 2021 साल चल रहा है, आज तक सोचिए कि अगर कोई चीज़ पे यूट्यूब में अच्छे से वीडियो कवरेज नहीं है, मतलब वो चिंताजनक वाला बात है, क्योंकि वेलोर में बहुत लोग आता है, तो इसीलिए मैं जो है ये सब कवरेज कर रहा हूँ सो दैट आप लोग से मैक्सिमम मैं शो कर सकूँ, आप लोग भी अगर बाद में आके मुझसे भी बढ़िया अगर व्लॉगिंग या वीडियो करते वो और बढ़िया होगा, मुझे भी कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मेरा ये बस एक इनिशिएटिव है, इससे जो है मैं किसी को मतलब कोई डिसरेस्पेक्ट शो नहीं करना चाहता हूँ या किसी का प्राइवेसी में मैं कोई पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं शो कर रहा हूँ, मैं अपना ही केस बता रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ, और जो थोड़ा बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन है मैं मेनली हॉस्पिटल के अंदर वो शूट करता हूँ कि मतलब ये कॉन्टैक्ट नंबर ये डिपार्टमेंट का गेट किधर गया है वो लोकेशन थोड़ा बहुत कि आप लोग आने से मतलब थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ इधर जाना है, मतलब एकदम आके शॉक्ड नहीं हो जाए कि इतना बड़ा बिल्डिंग है किधर जाए कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तमिल जो। अच्छा दूसरा बात, यहाँ का नर्स लोग को मैक्सिमम को पता नहीं रहता है कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन है, खुद कन्फ्यूज रहता है, जब भी आइए कोई भी डायरेक्शन आपको पूछना रहा तो जो सिक्योरिटी गार्ड है ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के वो लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहता है, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछे वो लोग आपको मोटा मोटी बोल देगा, कोई कोई लोग उतना अच्छा से बोल नहीं पाता ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम लोग बोल देता है, तो हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं वो लोग गाइडेंस दे देगा, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को और जानकारी मिले रहे। तो यही ओवरऑल आज का जो था, कल यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है एंड तो कल मुझे यहाँ पे कल घर में ही रहेंगे रूम में ही रहेंगे, तो कल मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत होटल का शूट करने के लिए एंड जहाँ पे रुका हूँ एंड उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए कैसे कितना रेट पड़ रहा है कैसा है सब फैसिलिटी दिखाने के लिए आपको। तो यह अभी के लिए इतना ही, होपफुली आप लोग को थोड़ा बहुत मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, आप लोग को कुछ नया जानने मिला कुछ नया सीखने मिला, अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो ये जो वीडियो है इसको ज़रूर लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको ये सब इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल का मामले में मिलना चाहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, जिससे जो है डे टू डे लाइफ में हर चीज़ का जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले नॉलेज मिले एंड आपका फैमिली में भी अगर कोई वैसा सिचुएशन आता है तब प्रिपेयर्ड रहे उसको डील करने के लिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम यू गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अभी फिर से सेकंड वेव आ रहा है तो आप लोग भी थोड़ा संभाल के रहिए है ना, एंड अनलेस एंड अंटिल इट इज़ नेसेसरी घर से बाहर मत ही निकलिए और मास्क वास्क सब अच्छे से यूज़ कीजिए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो, अंटिल देन यू गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।